सजग हरियाणा देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और आज हम पहुँचे हैं हिसार के गांव चौधरीवास के अंदर जहाँ पे एक गुड़िया की शादी है उस गुड़िया की अगर बात की जाए तो आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है लेकिन यहाँ पे सहायता करने वालों का समूह जो है वो लगातार सहायता करने के लिए आगे बढ़ रहा है कल रात को ही भाई हारिस सिकारा ने एक वीडियो डाली थी और वो सोनीपत से यहाँ पहुँचे हैं एक बहुत अच्छे बड़े समाज से भी यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने एक नया संदेश हर जगह जाते हैं तो हर जगह अपनी जितनी सहायता होती है वो करते हैं तो उस लड़की की अगर बात की जाए तो माता पिता दोनों नहीं हैं पिछले दो से तीन साल पहले उनके पिताजी की डेथ हो गई थी और अभी एक महीना पहले उनकी माताजी की भी डेथ हो गई थी जिसके कारण उनके ऊपर ज़्यादा बोझ बढ़ा हुआ है सात लड़कियां हैं और दो उनके भाई हैं यानी कि नौ सदस्य तो किस प्रकार उनकी स्थिति है उसको हम दिखाएंगे एक बार जो घर की स्थिति है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार वो स्थिति है जहाँ से सहयोग से आज बहन की शादी है और बहन की शादी के अंदर अगर लोगों का प्यार बढ़ेगा लोगों का जोश के साथ में जिस प्रकार उनका आशीर्वाद मिलेगा तो शायद वो माता पिता की कमी तो पूरी नहीं हो सकती है लेकिन माता पिता जितना करते हैं अगर समाज मिल करके करेगा तो शायद एक अलग सी खुशी जरूर मिलेगी तो हम परिवार की तरफ बढ़ते हैं वहाँ से जानेंगे कि वहाँ पर लोगों का एक समूह जो है वो भी पहुँचा हुआ है हिसार से चौधरी वास का युवा संगठन भी यहाँ एक सहायता करने के लिए भी पहुँचा हुआ है हम उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले यहाँ की स्थिति है वो दिखाने की कोशिश करेंगे तो एक बार पीछे का इधर से अप सा यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि घर की जो स्थिति है वो बिल्कुल ही थोड़ी सी इधर से देख लीजिए इधर से पूरा जो छप्पर हैं पहले टाइम में होते थे आज इतनी तो एक बार पूरा जो है वीडियो वो दिखाना चाहूँगा इधर से भी ये लोगों का बैठा हुआ है जो भी भाई आता है वो किसी ना किसी प्रकार से हेल्प करता है किसी भाई ने ये अलमारी है ये कूलर है ये बैठने का जो पीढ़ा होता है ये अपना बेड जो है वो किसी प्रकार की हर व्यक्ति जो है वो सहायता करता है इसकी लड़की की शादी होती है तो भाई बात लेके आता है वो एक प्रोग्राम छोटा था यहाँ पे चला हुआ है तो एक थोड़ी सी मायूसी ज़रूर है क्योंकि उस लड़की के ना तो पापा हैं ना मम्मी है लेकिन मम्मा से नाना जी से जो भी सहायता हो रही है वो करने की कोशिश की जा रही है तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने एक बागड़ोर अपने हाथ में संभाली है और किस प्रकार एक ढांडस अपनी भांजी को बंधाते हुए वो कोशिश करेंगे सर नमस्कार नमस्कार जी सर आज बहन की शादी है और भात का जो काम है वो चल रहा है तो उस आज की जो लोगों की प्यार की बात करें लोगों के सहयोग की बात करें क्योंकि देखो परमात्मा करने वाला होता है ये तो कुछ तो करता है उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं आज लोगों का कैसा सहयोग आपको मिल रहा है क्या मतलब माता पिता की कमी को तो पूरा नहीं किया जा सकता लेकिन आर्थिक स्थिति जो है उसको लोगों ने सहयोग करने की भावना जो है आगे तक बढ़ती जा रही है उसको किस प्रकार व्याख्यान करना चाहिए व्याख्यान ऐसा है जी कि इनका जो सहयोग है ना वो इनको जो इनका गांव भर्ती जो भी है उन्होंने बहुत सा इनका इतना सारा दिया है कि जिसकी कोई आमना नहीं कर सकते थे काफी इनकी तरह जो माँ बाप की कमी आप लोगों तो को पता पूरी हो नहीं सकती और जो कुछ भी इनका परिवार ने और आस पड़ोस के जितने भी है सब ने अच्छी तरह से बहुत सी बढ़िया तरीके से सहयोग इनको दिया है ताकि इनका जो गरीब सा है उस हिसाब से इनका काम हो रहा है जी लड़की कितने भाई बहन हैं ये लड़की है जी सात बहनें और दो भाई तो भाई बड़ी बड़ी लड़की है बड़ी बड़ी लड़कियाँ हैं सात और दो छोटी लड़कियाँ अच्छा लड़की की पढ़ाई भी कर रखी है कुछ लड़की ने हाँ पाँच कर रखी है जी आगे फिर थोड़ी सी फिर की से नहीं हाँ तो गर गर पढ़ नहीं सके सके लेकिन जो आज जो आज टाइम है और ये उनके मामा जी हैं छोटे हाँ है बड़े मामा जी भी आप लोगों ने ये बागडोर जो है वो संभाल रखी हाँ जी। हाँ जी। है कि और कब मतलब मम्मी के बारे में बात करें तो बताया गया कि दो से तीन महीने पहले या एक महीने पहले इनकी डेथ हो गई थी पीछे छह जुलाई को तीस जुलाई को बीमार थे नहीं वैसे ही हार्ट फेल हो गया था उनका अचानक से एकदम ठीक ठाक थे वो अच्छा। और तीन साल पहले जी गुजर गए थे उनका भी हार्ट अटैक हुआ था अच्छा। ये लड़की के नाना जी है हाँ मैं अपने शकुंतला भान जी है इन बच्चों को फिर मनाना नाना लगता नाना तो इनका एक्सपार हो ही लिया नानी नाना तो शकुंतला के माता पिता वो एक सवार हो शकुंतला उस लड़की के मम्मी का नाम है क्या लड़की का वो हमारी भान का जो लड़की आ, लड़की नाम है जी। लड़की है ना जिसकी शादी कर रहे हैं ना उसकी मम्मी का नाम शकुंतला है अच्छा अच्छा हाँ जी वो आपकी और, है वो मेरी भान जी ये दो आप कितने दिन से यहाँ है या कल ही आए थे नहीं मैं तीस तारीख को दाग ऊपर आया था अच्छा, और उस दिन से आज तक यहीं पर ही हूँ मैं तो उसके बाद की स्थिति सर बड़ी नाजुक हुई होगी बच्चों की वो तो संभाले बच्चों को प्यार दिया उनको समझाया भी बच्चे याद करते थे भाई मम्मी मम्मी वो वो यहीं है बेटा कहीं नहीं गई दवाई लेने गई है ऐसे माने भुस्कार के उनका खाना पीना उसको लोगों का सब... बात की अच्छा लगा इन्होंने बताया कि लोगों का जिस प्रकार प्यार मिल रहा है देखो माँ बाप की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता लेकिन उस सहयोग से हम खुश हैं और भाई हर शिकारा भी यहाँ पहुँचने वाले हैं थोड़ी ही देर के अंदर जिसकी बदौलत अलग अलग जगह से अलग अलग जगह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं तो हम उस लड़की से भी बात करना चाहेंगे एक बार लड़की को बुलाएँगे अच्छा तो मैं एक बार उन परिवार से भी मिलवाना चाहूँगा कि ये जो है वो लड़की का छोटा भाई है बिल्कुल और ये उससे थोड़े से बड़े हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये परिवार है ये गुड़िया बिल्कुल छोटी सी उम्र के अंदर ये छोटा है ये उससे भी छोटा है और जो है एक ये है मतलब आप देख सकते हैं कि, कि किस प्रकार परिवार माता पिता का सया उठ गए इन छोटे से बच्चों के ऊपर से तो अभी तो टाइम बहुत बचा है ये इससे बड़े हैं यानी कि ये जो है तीन लड़कियां हैं चार लड़कियां और हैं जिनकी दो की शादी कर रखी है एक की आज शादी है और ये दो छोटे भाई हैं परिवार का देख सकते हैं आप अगर कोई समाज से भी इंसान ये चाहता हो इस लड़की की शादी आज ना इसकी नहीं उस लड़की की। ये परिवार है परिवार बच्चों का आज इसकी शादी है इस गुड़िया की शादी है इनसे बात करेंगे बेटा क्या नाम आपका बती बसेरी नाम ये गुड़िया है जिसकी आज शादी है तो बेटा है। देखो आपके मामा जी हैं आपके नाना जी हैं जैसे ही मतलब तीस तारीख के बाद में आप किस प्रकार रह रहे हैं कैसा नाना जी मामा जी उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे मामा ठीक ठाक से ही रह गया ठीक देखो बिल्कुल है क्योंकि जैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अंदर बातचीत ऐसे भावनाएँ निकलना एक अलग प्रकार की ही बात हो जाती है लेकिन हम कहना चाहेंगे कि उस चीज़ को पूरा नहीं किया जा सकता लेकिन जो समाज आपके साथ है आपके मामा जी आपके साथ है आपके नाना जी आपके साथ है पूरा परिवार आपके साथ है आगे की जिंदगी जो है वो भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और आज आपके शादी के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने वाली है चौधरी वास का युवा संगठन आपके सामने बैठा हुआ है हर गरीब परिवार का जितना सहयोग इनसे हो सकता है करने की कोशिश करते हैं तो उनके प्रधान हैं होशियार सिंह जी उनसे बात करेंगे हम जी सर नमस्कार नमस्कार जी सर चौधरी वास गाँव में हम पहुँचे हैं आज और देख करके आपकी टीम का एक जोश जुनून समाज के अंदर एक नया संदेश दे रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर सर सबसे पहले तो आपके जो न्यूज़ चैनल है सजग हरियाणा के यहाँ पे पधारने पर मैं बहुत बहुत चौधरी चौधरीवासठन और वास गाँव की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और ये यहाँ पे जो एक गरीब परिवार है जी और अक्सर हमारा संगठन जो है यहाँ पे काम करता रहता है और इसके लिए हमने जो भी मतलब सामान के लिए लड़की की जरूरत थी उसके लिए लगभग पंद्रह हज़ार के आसपास का हमने सहयोग किया बिल्कुल एक नया संदेश जो हर गांव को मिलता है हर व्यक्ति को मिलता है कि देखो एक व्यक्ति जो है सर अगर सहायता करे और एक संगठन मिलकर के एक सहायता करे तो एक अलग ही संदेश दाता है आपका संगठन कब से वर्क कर रहा है सर सर हमारा संगठन लगभग 2017 से हमारा वर्क कर रहा है सर और समाज सेवा के लिए हम लोग अक्सर ऐसा जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है वो हम करते हैं करोना काल में ही हमने किया है और गांव के अंदर कोई खेल कूद का स्टेडियम है उसके लिए भी सहयोग करते हैं और अक्सर जो भी जरूरत है साफ सफ़ाई का है लड़कियों के स्कूल का है मतलब जो भी जरूरत होगी हम सब करते हैं सर जिस प्रकार गाँव में गरीब व्यक्ति की कोई भी सिचुएशन हो जिसकी आवाज दब रही हो उठाने की बात की जाए उस हर चीज में आपका संगठन आगे रहता है हाँ जी बिल्कुल हमारा संगठन हर चीज में आगे रहता है और इसके लिए जो भी हमारे ये साथी बैठे हुए हैं हमारे जी बैठे हुए हैं हमारे उप्रधान तो जी जी दरबार सिंह जी हैं और हमारे बाकी सारे साथी एक बार आ जाओ सारे साथी आ जाओ बिल्कुल आज सारे इधर आ आ आ जाओ 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 ये टीम है चौधरीवास युवा संगठन टीम है चौधरीवास गांव है और उन्होंने अपने गांव के नाम से एक युवा संगठन की टीम बना रखी है जो एक नया संदेश दे रही है और आज पहुंचे हुए हैं ये प्रधान जी हैं ये प्रधान जी हैं और उनके साथ में जो युवा साथियों की जो टीम दिख रही है क्योंकि जब समाज के अंदर एक नया संदेश जाता है इनकी तरफ से क्योंकि कार्य तो हर कोई करता है लेकिन एक युवा जब आगे आते हैं ना तो युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं जब युवा एक नया संदेश देंगे तो सबके अंदर एक नया जोश जागेगा तो सर ऊप्रधान जी से भी बात करना चाहेंगे जी सर नमस्कार नमस्कार जी क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज आपने किया है और कितनी सहायता राशि आपकी तरफ से क्या कुछ सहायता राशि है हमारी सहायता राशि पंद्रह हज़ार रुपये इकट्ठी हुई है और उसके हमने समान दिया है वो और युवा से यही है भाई आगे आए समाज सेवा के लिए यही कहना चाहूँ धन्यवाद तो सर क्योंकि एक व्यक्ति सहायता करे और एक मिल करके दस व्यक्ति बीस व्यक्ति पचास व्यक्ति सहायता करें तो वो सहायता एक बड़ी बन जाती है क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर जब बर्डन पड़ता है तो शायद हो सकता है कि उसके क्योंकि एक व्यक्ति को समाज की तरफ देख देखे और एक अपने परिवार की तरफ देखे क्योंकि परिवार भी तो चलाना होता है और जब लोगों की टीम चलती है तो वो समाज सेवा एक बड़ा रूप धारण कर लेती है तो, कुछ कहना चाहिए देखिए कहना तो यही चाहेंगे जैसे कि समाज में जो गरीब परिवार है या जिसकी ज़रूरतमंद है उसकी हम अगर हो सके तो जितनी भी हमसे बने वो हेल्प करनी चाहिए और उसके लिए हमारा जो संगठन है युवा संगठन चौधरीवास है वो मतलब आगे आ रहा है और काम कर रहा है ठीक है आप कुछ कहना चाहें थैंक यू सर आप नहीं बहुत बढ़िया है ये हमारा चौधरीवास युवा संगठन है वो समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है हमारे गांव में भी हमने स्टेडियम वगैरह निर्माण में पूरा सहयोग किया है स्कूल के जो सरकारी स्कूल होते हैं उसके अंदर भी हम पूरा सहयोग करते हैं टीचर के साथ मिलकर काम करते हैं गाँव में जैसे कोई गली में सफाई वगैरह या सफाई अभियान चलाते हैं गाँव में वहाँ भी हम पूरा सहयोग करते हैं हम गाँव के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं अगर गाँव हमारा सहयोग करे तो इस गाँव को हम स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल एक बात भाई साहब ने कही है कि गांव के अंदर किसी प्रकार के क्योंकि कई गांव ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि सरपंच ही करेगा कोई ये सोचता है कि सरकार ही करेगी लेकिन जब गांव के युवा ये सोच लें कि हमने अपने गांव को एक निर्मल बनाना है और अपने गांव का नाम रोशन करना है तो क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि करेंगे हर सिकारा भाई आपके सामने हैं इनकी पूरी टीम जो है वो पहुंची हुई है क्योंकि समाज के अंदर एक नया संदेश जो है वो यहाँ से ज़रूर जाएगा जी सर भाई हर सिकारा भाई साहब नमस्कार नमस्कार जी भाई पूरी टीम जो है एक बार पूरा दिखाना चाहूँगा इधर से वो हा भाई हर शिकारा की जो टीम है वो पहुँची हुई है गाँव के गणमान्य व्यक्ति है वो पहुँची हुई जो जिस प्रकार की सहायता करना चाहता था बड़ी दूर दूर से लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं भाई हर शिकारा आपसे एक दो बातें करना चाहूँगा समाज के अंदर हर जगह जाते हो वहाँ से एक नया संदेश वास्तव में लेके जाते हैं आप तो एक बात आपसे पूछना चाहूँगा सर कि जहाँ पर भी जाते हैं एक नया संदेश दे जाते हो सर आपने स्टार्टिंग की थी तो समाज सेवा का एक नया जो आपके अंदर जोश जुनून है वो कैसे जागा सर भाई काफ़ी छोटी उम्र थी सात साल की उम्र थी अपनी माता जी की मृत्यु हो गई थी मृत्यु का कारण था गरीबी मृत्यु का कारण था समय पे पैसा ना होना मृत्यु का कारण था अस्पताल में बेड का ना मिलना सफदरजंग हॉस्पिटल कभी बचपन में नाम सुना था कोई अस्पताल है जिसमें बेड नहीं मिलता उसके बारे एक हफ्ते तक मेरी माँ तड़पती रही थी जिसके कारण मृत्यु हुई थी उसके बाद कुछ ही समय बाद दादा दादी की मृत्यु हो गई थी तो परिवार बिखर गया था परिवार में कुछ भी नहीं रहा था छठी क्लास में था हमें ये पता था बारह रुपये फीस नहीं दी जाया करती जिस समय हम पटार थे वो गरीबी का माहौल ऐसा देखा था कई बार मरने का मन करता था कई बार जीने का मन करता था सोचते 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 सोचते, सोचते पिताजी के कारण काका के कारण पापा और काका जो हूं जैसा भी जो परिवार संभाला उसके कारण हम बड़े हुए बड़े होने के बाद कुश्ती के लिए खाड़े में छोड़ दिए तो वहाँ देखा भाईचारा काफ़ी जुड़ गया भाईचारा जुड़ गया तो दिल दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात शुरू से ही थी अगर कभी बड़े उहदे पर पहुँचे या कहीं कुछ स्ट्रगल करके मेहनत करके आगे निकले तो किसी न किसी गरीब परिवार की मदद इसलिए कराएंगे जिसके माँ बाप नहीं होते ना या जिसकी माँ नहीं होती या जिसका बाप नहीं होता या जिसका भाई नहीं होता ऐसे लिए गरीबी इंसानियत की होती है पैसे से कोई गरीब अमीर नहीं होता पैसे तो जिसके पास सौ करोड़ पचास करोड़ हजार करोड़ है किस काम के जब वो किसी को दस रुपये का सारा ही नहीं दे सकता क्या तब उसकी मृत्यु होगी वो मरेगा उस पैसे को अपने साथ लेके जाएगा पैसा साथ कोई नहीं लेके जाता मैं घर से चला था मेरे पास भी एक पैसा नहीं था मैं शाम को भाइया के बाहर आया ना लेकिन मेरे पास एक चीज थी हौसला हौसले से चलते हैं हौसले से ही काम करते हैं अब हौसले से ही इनसे मैंने शाम को पूछा था क्या मदद करनी है मैं हालांकि बताता कम हूँ कर करता थोड़ी ज्यादा हूँ इनसे पूछ के गया ये बेचारे डरते डरते न्यूकण लग रहे थे बाकी तो जैसे कि गांव ने भी सारा ला दिया गांव के कुछ साथी हैं मेरे साथ में फौजी साहब बैठे हैं संगठन के साथ बैठे हैं पूरा संगठन आ रहा है फौजी साहब का भी हम तो सलूट करा भाई सबसे पहले चौधरीवास गाँव को बहुत ही कम ऐसे गांव हैं जिनके युवा और जिनका समाज गांव में ऐसे आगे आता है वरना गामा मतीसी हो रही न्यू कह दे हमारी दोष है भाई हम नहीं जाएंगे ये माहौल है तो मैं सबसे पहले तो सल्यूट करता हूँ इस पावन धरती को इस पावन धरा को जहां पर हम आए हैं तो हमारा भाईचारा इकट्ठा हो रहा है भाई बिहार के भाई भाई भी साथ में बैठा अपनी यार का प्रवीण भाई उससे दूसरा ये है मैंने इनसे पूछा था इन्होंने बताया ये डरते डरते, डरते मान रहे होंगे ना भाई और डाल के बाढ़ भारे ऐसा ये छोरा होगा कि बराकून है क्योंकि आम जो बड़े बुजुर्गे बेचारे फोन तो चलाते नहीं बेरा तो है नहीं बोले बीसक हज़ार रुपया का सारा लग जाए तो ठीक हो जाएगा इफ जो भी सारा लगेगा वो आप लोग आगे श्यामी लगेगा आप लोग देखते जाइयो बाकी ये है अच्छा करके कर जाएंगे मारिया बाण बेटी है जिसका कोई नहीं भाई सीधी बात उसके अमहा कोशिश करेंगे जितना मारतो होगा उतना करने की यही छोटा अपने घर में गरीबी देख रहे की तो अपने घर तय ही सीख रहे हैं भाई हर सिकारा ने एक बात कही है क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर जो बित्ती है ना उसी को पता चलता है कि वास्तव में गरीबी होती क्या है जहाँ से सात साल की उम्र के अंदर जब उन्होंने स्टार्ट किया था जब माँ का साया जो है वो उनके सर से उठ चुका था पिता से ज़्यादा बढ़ के माँ हमें प्यार देती है और वो साया इनसे उठ चुका था लेकिन किस वजह से किस कारण से उस कारण को इन्होंने ये नहीं माना कि ये कारण हो चुका है तो मैं क्या कुछ करूँगा लेकिन इस कारण को उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा कारण बनाया कि इस कारण की वजह से मैं दुनिया के अंदर ये कारण लोगों के साथ में नहीं होने दूंगा। जितनी मेरे से समाज सेवा होगी वो समाज सेवा मैं लोगों के साथ करूंगा। और इन्होंने बताया कि भाईचारा जो है वो सबसे बड़ा होता है भाईचारे से बड़ा कुछ नहीं होता क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है इन्होंने अपने शब्दों के अंदर वो चीज़ें बयान की हैं जो शायद थोड़े से शब्दों के अंदर उन्हें सब कुछ कह दिया है अभी प्रवीण भाई साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं उनसे भी हम जानेंगे कि सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा भाई मदद करो जिस पर जितनी हो उसका किसी भी गरीब की कितने भी दिख है कोई ज़रूरतमंद दिक्क है तो उसकी मदद करो बस इतना कहना चाहूँगा क्योंकि मदद एक व्यक्ति करे और एक पूरा परिवार मिलके करे पूरा समाज मिलके करे ना तो वास्तव में और जैसा भाई हरश सिकारा भाई ने एक बात बताई कि वो बोलते कम हैं करते ज़्यादा हैं जो परि जो फेसबुक पे है यूट्यूब पे है आजकल सोशल मीडिया पे जो व्यक्ति है ना वो इस व्यक्ति का नाम कौन नहीं जानता है कहाँ कहाँ पे क्या क्या कार्य किए हैं बताने की ज़रूरत नहीं है हर सिकारा पेज पे आप जाके देख सकते हैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हर सिकारा भाई जब लाइव आते हैं तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग से स्लो मोशन होता जरूर है लेकिन लास्ट के अंदर इतने ज़बरदस्त धुआंधार तरीके से मतलब इनके अंदर जोश जुनून आ जाता है क्योंकि वो जो इनके ऊपर बीती है ना वो अंदर से आत्मा जो है वो बाहर निकलती है तो शब्दों के अंदर कंट्रोल नहीं कर पाते और वास्तव में एक नया संदेश जरूर देते हैं और कुछ कहना चाहेंगे सर सोनीपत से इतनी दूर पहुँचे कैसे आपको पता चला सर क्योंकि आपके पास भी बहुत कॉल आती होंगी हो सकता है शायद कॉल मिस भी हो जाती होगी तो यहाँ का आपको पता कैसे चला सर देखिए मेरे व्हाट्सअप पे सतर हज़ार नंबर हैं हाँ तो सर क्योंकि तो सतहत्तर हजार नंबर में दस परसेंट आदमी मेरे से खुश रहते हैं क्योंकि ना तो मैं सबके फ़ोन उठा पाता ना सबके जवाब दे पाता लेकिन जो मेरे भाई है मेरा भाईचारा है टीम छोड़ रखी उनका काम स्पेशली है ऊपर से नीचे तक ये नज़र मारना कि सच्चाई किस में है मदद लेने वाले कम से कम सौ व्यक्ति आते हैं लेकिन सच्चाई दो या तीन केसों में ही पाती है हमारी बड़ी टीम है हर जगह से भाईचारा जुड़ा हुआ मेरे पास भाई ने कॉल की थी वो यहीं होगा <coughs> भाई खड़ा हुआ भाई ने कॉल करके मेरे को बताया था भाई एक बार बाग देख जरूर लियो अगर आपने ये लागा मदद के लायक है तो आवाज़ की टोन से ही पता लग जाता है आप कह रहे हो सोनीपत से इतनी दूर कैसे है हमारे लिए दूर तो कुछ भी नहीं है मैं एक हज़ार किलोमीटर दूर जाके मैंने मदद की थी जिस टाइम मैं बुखार में था मदद क्योंकि मदद करने, करने के लिए है ना नीयत होनी चाहिए अब मैं हाल में बताऊंगा हाल में बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा हो सकता है यार अपनी बोर बढ़ाई कर हो मेरी पत्नी एडमिट है अस्पताल में, में मेरा पिताजी एडमिट है मेरे दो लड़के दो भाई हैं दोनों एडमिट है चार लड़के एडमिट है मेरे घर में से और मैं उन सब को छोड़ के यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने टाइम दे रखा था मैं कोशिश करता हूँ जुबान झूठी ना हो इतना ये मुँह लिया गुरु इतना मेरे बस का हो टाइम दे रहे क्या था मनाडाने की कोशिश करी अपने परिवार नहीं बाटे तो जाकर जब संभालूंगा वो इसलिए संभालूंगा मेरा परिवार बेशक मर जाओ मैं इस चीज़ की चिंता नहीं करता जो मन झूठी नहीं होनी चाहिए दो की बात होगी शायद वह माँ पंचायत कद की थी उन्नीस में उन्नीस में ही थी शायद उन्नीस में थी ना दो में सिसाई में माँ पंचायत थी वो टाइम टेक दिया था दो महीने पहले आप उस दिन की पंचायत करेंगे शायद सातवें महीने की दस तारीख की थी दो में मोटा मोटी मेरे याद है और उस दिन मेरे सगे छोटे भाई का ब्याह का टाइम टक गया उस दिन उससे दिन आज भी मेरा भाई मेरे तो रूच रहा है हालांकि एक माँ के यहाँ कट्ठे रहा आ रहा मेरा पापा का घर है हम सब कट्ठे रहा कट्ठा परिवार हमारा बचपन तेर मेरी यहाँ कोशी से कट्ठे रहा मेरा भाई और मैं जो एक माता जन्म ले रहे हैं मेरे भाई का जो फोन आया मेरे भाई ने न्यू कोई भाई शादी के आज जो डेट हुआ दस टेकी मैंने एक बात कही थी मैं नहीं आऊँगा भाई आगे पीछे होती हो देख ले मैंने बोले अगे पीछे तो ना हो सकती उन तो टाइम दे दिया टाइम दे दिया तो तू हो ब्याह मेरे बिना हो सके है, है। उड़ा जो पंचायत होनी है तो ना उसमें सबसे मैन आदमी मैं प्रचार मैं कर रहा सारी जगह घूमन मैं लाग रहा और पंच चार हजार आदमी ने मैं अपने ऊपर झूठे के ऊपर बना दूंगा तू चलिया जागा ब्याह जब भी हो जाएगा मेरे जाए बिना ऊड़ा मैं नहीं गया ना सब पूरा हरियाणा तो कुल मिलाकर बात ही आजेगा टाइम दे दिया ना टूट रहे हो फूट रहे कुछ नुकसान हो रहा हो कोशिश करा भाई उड़ा वो मदद पोच अगर मैं नहीं पोचता तो मदद जरूर पहुंचती मेरा भाई पर भी ना भाई यह कोशिश अपनी जुबान दो पूरा करो बिल्कुल सही सटीक बात कही है कि जुबान जीव जो है ना वो बोल देती है वो ये पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या कुछ करना है क्योंकि जो व्यक्ति है बोलता क्या है क्या कुछ उसको करना है उसके पीछे जानना भी जरूरी होता है कि वहाँ पे कितने लोग मेरे साथ होंगे और कितने लोग मेरे साथ वेटेज करेंगे सर वीर सिंह भाई साहब हैं सबसे बड़ा जो सरे है इनको ही जाएगा क्योंकि इन्होंने अगर हर्ष भाई साहब से बात नहीं की होती तो शायद इतनी सहायता जो है वो नहीं हो पाती नहीं हो पाती भाई से मैं फोन फेसबुक पर देखी थी मदद करता है हमने पोस्ट डाली थी भाई गरीब की मदद करो माँ बाप है नहीं हर्ष भाई ने मदद की है वास्तविक जो चीज़ है जहाँ पे सहायता करनी चाहिए वहाँ पे आपने हर्ष भाई को बुलाया है और हर्ष भाई ने आपकी बात को अच्छा खरा जो है साबित किया धन्यवाद सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कार्यक्रम जो है वो तो आते रहेंगे लोग चलते रहेंगे लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पहुँचे हो तो कितना सहयोग मिला है और किस परिवार को कितनी मदद जो है वो की गई है मदद ये है भाई जो टोटल हाल फिलहाल रुपए इकट्ठे हुए भाईचारे की तरफ से सत्तावन हज़ार पाँच सौ पचास रुपये तो नकद दिए हैं जैसे उससे अलग इक्यावन सूट जो ज़रूरतमंद कपड़े थे वो अब इकट्ठे हुए हैं उससे पहले फौजी साहब आ जाओ भाई ये हमारे जो फौजी साहब हैं जो अपना चौधरी वास का संगठन है भाइयों की तरफ से जो ज़रूरतमंद सामान है जैसे कि बेड वगैरह और फौजी साहब एक बता हुआ फराठा वगैरह जो भी जरूरतमंद तो सामान है कूलर हो गए गया, गया। अलग, ये सूट, यानी ये टोटल पचास बीस पे कितर सूट तो अपने भाईचारे की अपनी टीम की तरफ से हो गए सत्तावन हजार सात सौ सत्तावन हजार पाँच सौ पचास थे हाँ, ना भाई हाँ, 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 सत्तावन हजार पाँच सौ पचास रुपये जो वे नगद है उससे अलग कुछ भाईचारा ही बाढ़ लग रही है आगे तो ऐसे ही आते रहेंगे वे आते रहेंगे वे देते रहेंगे जो भी होगा वो आपके सामने होगा शाम तक तक आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इस तके मन के डेंगे कम नहीं होंगे ये तो ये बात ये बात है ता ता मिली है सहायता अब मिली वो काफी कुछ रहेगी और लोग साथी जो है पहुंच रहे हैं सत्तावन हजार पाँच सौ पचास रुपए आपसी भाईचारे से सहयोग में मिले हैं आपने अपनी तरफ से भी इस बहन के लिए कुछ दिया है सर सारे अपनी तरफ तो है भाई मारे बिना कौन आता इसलिए क्योंकि आपकी तरफ से बिल्कुल आपने सही कहा सर आपकी वजह से ही इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं दूर दूर से लोग आए हुए हैं तो स्पेशली इस बहन के ऊपर आपका आशीर्वाद जो है वो हमेशा साथ रहेगा और जो भी परिवार हैं जिनकी आर्थिक मदद आप कर रहे हैं जो भी इनफॉर्म साथी करना चाहता है और जो ये चाहता है कि भी मेरे आसपास में करीब की आवाज़ नहीं उठ रही है वास्तविक गरीबी क्योंकि ऐसे तो हर एक इंसान यही चाहता होगा कि भाई सहायता हो सहायता हो लेकिन वास्तविक गरीबी अगर हो तो हर शिकार भाई आपके साथ है okay. बात है और भाई साहब ने जो लास्ट में बात बताई उस पर विशेष ध्यान दें पूरे भारतवर्ष के अंदर सिर्फ दो प्रतिशत आदमी अमीर अट्ठानवे प्रतिशत आदमी okay. गरीब और मध्यम वर्ग में आते हैं हम सब मध्यम वर्ग में आते हैं गरीब वो होता है जिसके पास कोई भी आय का साधन ना हो जिसके पास इंसानों की कमी हो जिसके पास परिवार ना हो जिसको कोई भी रास्ता ना दिखता हो असलियत में गरीब वो है उसके साथ भाई जैसे भी हमारे से बढ़ेगी जैसी भी हमारे से कोशिश होगी अब सबके काम तो हम नहीं आ सकते इतने बड़े परिवार से नहीं हैं सौ आदमी फोन करेंगे तो सौ की सौ मदद तो नहीं होगी लेकिन कोशिश करेंगे एक दो तीन चार चीज इमारत बढ़ेंगी वे मदद जरूर कर पाऊंगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत भाई साहब आपने अपना कीमती समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद अब एक प्रश्न से और मिलवाना चाहेंगे जो गौशाला चला ते रहे हैं दो मिनट का टाइम लेंगे कोई ना छोटा आजा ये भाई साहब हैं जो हाथी के अंदर गौशाला चला रहे हैं कुछ बीच में अटकलें इन भाई साहब के ऊपर भाई साहब ने बताया तो इनके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे भाई साहब सबसे पहली चार्थी? बात तो मैं आप लोगों को यह बता दू आप लोग सोच रहे हो भाई भाई कौन है क्या है इसकी, क्या क्या इसकी विशेषता है सबसे बड़ा एक परिचय होता है अनिल आर्य है, जी हैं हमारे आशी से कितने बड़े गौरक्षक है इसी बात से अंदाजा लगा लो पीछे ये एक बैल गुजर गया उससे कितना प्यार करते थे लोग जो टैटू है ना वो उस चीज का बनवाते जिसे दिल से प्यार करते हैं बिल्कुल बिल्कुल उसकी डेट जिस समय गुजरा जिस समय उसने साथ छोड़ा वो एक ऐसा था बाबा जी अपने परिवार से अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार इसे करता था तो अब ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हो गौ माता जो हो रग रगों में दौड़ रही है उससे दूसरी बात ये है मेरे भाई ने गौ सेवा कितनी की कितनी नहीं ये तो मैं आपको क्या बताऊँ लेकिन गौ माता के ऊपर काफ़ी केस काफ़ी केस लगा चुके हैं गौ माता के ऊपर गोली खा चुके हैं तीन सौ सात के पर्चे हैं लोग जिन चीज़ों से डरते हैं ना मौत को हर रोज़ गले लगा के घूमते हैं मैं मेरे भाई पर भाई गर्व करूँ हूँ आराम सब भाई के साथ हैं इस पाँच तारीख को ये जो नौवें महीने की पाँच तारीख आएगी उस दिन हासी के अंदर गौशाला का प्रोग्राम है आप वहीं आके इसलिए देखना मेरा भाई खाली गौ माता से नहीं सांप बिच्छू गबेरा आपके घर में कुछ भी चीज़ निकला वो भाई के पास कॉल करते हैं एक भी चीज़ को चोट नहीं मारने देगा ना डंडा मारने देगा उसको अपने हाथ से पकड़ेगा हाथ से पकड़ के जंगल में छोड़ के आएगा पूरे आसी के अंदर कहीं कोई गौ माता या किसी कोई भी ऐसा जानवर पशु पक्षी, पक्षी, पक्षी कुछ भी अगर रोड के ऊपर मरा हुआ पड़ा है ना भाई के पास कॉल करेंगे फायदा उठाने के लिए दुनिया आती है दुनिया भर की ऐसी ट्रस्टें हैं जो लोग लोन लेती हैं रुपए खाती हैं जिनकी मोटी मोटी कमाई है उनसे कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं होता भाई आप किस चीज़ का ट्रस्ट ले रहे हो आपकी क्या जिम्मेदारी आपका क्या काम है लेकिन मेरा भाई भाई दिन रात चौबीस घंटे अब अब गुड़िया हुई है भाई को कल की छठ थी आप देख लो पूरी रात का मेरे साथ यहाँ पर है ना खुशी से मतलब परिवार के ना दुख से मतलब है असली समाज सेवी वही है जो भाई कितनी भाई भी मुसीबतें आ जाए अपने भाईचारे के साथ खड़ा हो मैं अपने भाई पर गर्व करूँ ऐसे भाई होने जरूरी हैं भाई इन्हीं से देश चलता ऐसे भाइयों से ही हम आगे बढ़ रहे हैं जैसा सर ने बताया है कि भाई सर की गौशाला चला रहे हैं और एक अच्छी समाज सेवा जो वास्तव में होती है इन्होंने यहाँ अपने हाथ के ऊपर रखवाया रग रग के अंदर अपनी अपने शरीर को जो है दर्द कौन देना चाहेगा दर्द उसके लिए देना चाहेगा जो वास्तव में अब जी जान से उसके लिए प्यार करता हो एक चीज़ का राज और पूछना चाहूँगा सर एक बार थोड़ी सी फोटो दिखा दीजिएगा सभी अपने पैरों के अंदर जूते चप्पल पहने हुए हैं भाई साहब जो हैं वो नंगे पैर हैं इसका क्या राज है सर थोड़ा बताना चाहेंगे इसका राज ये है भाई साहब ने कसम खाई थी मैं गौ माता के लिए कुछ करना चाहता हूँ मेरी खुद की जब गौशाला होगी पहले मैं गौओं को कर दूंगा रहने के लिए जब उनको घर मिल जाएगा ना अपना पैर रखने के लिए कि उनकी है खुद की जमीन है उसके बाद मैं अपने पैरों में चप्पल पैरूंगा और मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ जल्द से जल्द वो दिन आए आने वाली पाँच तारीख को ही हम ये चाहते हैं भाई जब इसकी गौ माता अपने घर में घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे ना तो मेरे भाई को भी चप्पल पहनाऊँगे कौन को, आपको भी पता है कौन होगा पैर ऐसे घूमना चाहेगा कोई साधु संतो ये है नहीं पारिवारिक गृहस्थी वाला आदमी शादी भी हो रखी बच्ची भी हो रखी घर के अंदर लक्ष्मी भी आई है पाँच छः दिन पहले बस यही है गौ माता से प्रेम करता है ज्यादा दिल से करता है और जो आजकल ज्यादा प्रेम करता है ना उसको या तो मूर्ख कहते है, हैं या पागल समझते हैं लेकिन वो पागल नहीं होते वो उनका दिल बहुत ही सॉफ्ट होता है वो काम के प्रति पागल होते हैं इंसानियत के प्रति पागल होते हैं हिंदू हिंदू के नारे दुनिया लगाती है मैं तो वालों से या हिंदुओं से ये पूछना चाहता हूँ क्या आपके घर के अंदर कोई छोटी बच्ची भी है कोई गौ माता है हिंदू धर्म का सबसे पहला काम होता है गौ माता की रक्षा करना गौ माता की सेवा करना हिंदू धर्म का काम ये नहीं होता कि खाली भगवा लिया और आप नारे लगाने लग गए ये होता है दिखावा जो आप कर रहे हो और जो हिंदू होता है ना इसलिए जिसको आप हिंदू कहते हो वो सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करेगा किसी दूसरे धर्म को गलत नहीं बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा। अपने धर्म से ज्यादा दूसरे धर्म को इज्जत देगा और जो गौ माता है सरोपरि सबसे पहले उसके लिए गौ माता होगी यहाँ भी मेरे भाई भी हैं बड़ा समन्त भाई अरे ये भाई खड़े गौ गौ माता के लिए इतनी सेवा दे हैं गौशाला में चौबीस घंटे डॉक्टर है गौशाला में इसकी उम्र देखो क्या पढ़ने की उम्र है ये भाई नाम इसका मोन्टी है दिन रात चौबीस घंटे गौ सेवा करे गौशाला क्योंकि एक टीम ही आपके साथ में ऐसी जुड़ी हुई है जो गौशाला या फिर किसी समाज के अंदर कोई कुरियाँ यहाँ पर जितने भाई जो खड़े हैं ना ये सारे वे भाई हैं जो इसलिए करीम हैं जो जो दिल जान और एक जगह चाहूँ भाई हम कुछ ना कुछ सेवा करा किसी की कोई फील्ड को बेटियों के लिए करता तो में... है यहाँ पहुंचे हैं वहाँ हैं तो समाज से भी वैसे चलो हम भी भी तो भी ये सोचते कुछ न कुछ तो बदलाव उनसे भी होगा हाँ। अगर कोई फॉर्मलिटी भी करता है ना अच्छा ही कर रहा वो भी उस फॉर्मलिटी के कारण भी आज नहीं कल नहीं परसों सोच तो बदलेगी उसके दिल में कल ये भी आऊगा ग्यारह सौ रुपये भी दे के देख ले गौ माता के लिए उसके दिल में फिर ये भी आओगेगा एक गौ माता पाड़ के भी देख ले अगर गौ माता के ऊपर से आपने हाथ फेर दिया ना गौ माता के अंदर एक ऐसी चुंबक होती है ऐसा प्यार होता वो आपको अपने आप अपने आप खींच लेगी तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कभी उसकी आत्मा जागेगी और वो अच्छा भी बन जाएगा जो बोलता है वो ये सोच के जगह एक बार करके भी देखें क्या वास्तव में अंदर के अंदर खुशी आती है जी बहुत जी अच्छा लगा भाई से बात करके और जिस प्रकार का सहयोग आगे बनता रहेगा धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद भाई पूरे भाईचारे को धन्यवाद भाई